बढ़ते आगे लखनऊ से बड़ी खबर आ रही, नीरज चौक का लोकार्पण आज है। लोकार्पण के साथ ही कवि सम्मेलन भी किया जाएगा। डीपीसीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा इसका लोकार्पण करेंगे। महाकवि गोपाल दास नीरज को समर्पित है ये चौक और आज 11:30 बजे विपुल खांडे 3 में कार्यक्रम किया जाएगा। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट है, नीरज चौक का लोकार्पण है आज और लोकार्पण के साथ ही कवि सम्मेलन भी किया जाएगा। डीपीसीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा आज इस चौक का लोकार्पण करेंगे और महाकवि गोपाल दास नीरज को समर्पित करके यह चौक बनाया गया है। 11:30 में कार्यक्रम होगा। और लखनऊ से हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, आज लखनऊ में नीरज चौक का लोकार्पण करने वाले हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। बताया जा रहा कि महाकवि गोपाल दास नीरज को ये चौक समर्पित किया गया है। बिल्कुल धीरेन्द्र, आज राजधानी लखनऊ में नीरज चौक का लोकार्पण किया जाएगा और इसके जो मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस नीरज चौक का लोकार्पण करेंगे। 11:30 बजे दिन में अभी ये कार्यक्रम साबित है। साथ ही साथ विपुल खंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कहीं कहीं जो महाकवि गोपाल दास नीरज को समर्पित ये चौक उनको समर्पित एक तरह से करके नीरज चौक का लोकार्पण डिप्टी सीएम करेंगे और कहीं कहीं जो और भी तमाम कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन है, इसमें तमाम जो कविताओं को सुनने वाले लोग हैं, श्रोतागण हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में कहीं कहीं जो नीरज दास, जो गोपाल दास जो कवि थे, उनके नाम से जो नीरज चौक का जो लोकार्पण है वो आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के द्वारा किया जाएगा। जी उमेश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे बातचीत करेंगे।